टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं. अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन रेजिन्स आर सॉक्ड इन वाटर. ऑस्मोसिस. ये मोस्टली सबका ठीक था. द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल इज माउंटेड इन ग्लिसरीन बिकॉज. यहाँ पे आंसर यही है, प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ द मटेरियल. बट बच्चों ने सेकेंड एंड थर्ड वाले को करेक्ट करा हुआ, मतलब प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल. नहीं, कईयों ने स्टेन द मटेरियल को करा हुआ है और साथ में ड्राइंग. स्टेनिंग के लिए ग्लिसरीन थोड़े ना यूज करते हैं, बोथ ए एंड बी लिखा हुआ था. मैं कह रही हूँ बोथ ए एंड बी लिखा कईयों ने, बट आप लोग ये नहीं देख रहे ग्लिसरीन वर्ड है. ग्लिसरीन वर्ड इज नॉट फॉर द स्टेनिंग. स्टेनिंग के लिए मिथिलीन ब्लू एंड सैफ्रोनिन लिया था हमने. ग्लिसरीन इज जस्ट टू अवॉइड द ड्राइनेस, कि उसमें श्रिंकेज ना आए. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द ग्लिसरीन टू देम. ठीक है, सो दैट उसके पार्टिकल्स प्रॉपरली विजिबल हो, तो वो ड्राइनेस को अवॉइड करने के लिए. यहाँ पे बहुत बच्चों ने बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है. थर्ड क्वेश्चन था, अ सेल वॉल स्वेल्स अप इफ. जब आउटसाइड हायर है, इनसाइड कम है, एट दैट टाइम सेल्स विल स्वेल, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में आना. पानी ने कोई भी चीज हम बात करते हैं, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर में आना. अब हमने कहा सेल स्वेल कर गया, कब करेगा सेल स्वेल? जब बाहर पानी ज्यादा है, अंदर कम है, देन इट विल मूव फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर, तो अंदर वाली चीज स्वेल हो जाएगी. श्रिंक कब करेगा? अंदर पानी ज्यादा है, बाहर कम, देन इट विल श्रिंक. अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये सबको आता था. असर्शन रीजन, SCR इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन. फॉल्स. SCR डज नॉट बियर राइबोसोम ओवर इट सरफेस. Assertion is false, reason is true. A eukaryotic cell possesses a well-defined nucleus. True. Reason, a nucleus is absent in prokaryotes. Nucleus होता है, nucleoid होता है. नो जी, नॉट वेल डिफाइंड का मतलब ही है कि इट इज नॉट हैविंग दैट वन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि दोनों तरफ से क्वेश्चंस जाते हैं, यही समझा रही हूँ. वहां पे नहीं है, राइट? ये आपके थे क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्टली हैं. आई थिंक आपके भी पूरे हैं, शायद बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पूरे भी थे. कंफ्यूजिंग थे, आई एम सेइंग कंफ्यूजिंग थे, मैं तो कह ही नहीं रही. चलो मैं एक दो मैचिंग करवा देती हूँ. जस्ट हैव अ लुक, एज यू आर सेइंग दैट यू हैड नॉट डन, तो जस्ट हैव अ लुक. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. इवन द पैराग्राफ दैट इज गिवन इन द परकिंजी वाला जो पैराग्राफ है सेल में, ये इसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. ये वाला जो येलो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. हाँ बेटा, न्यूक्लियस ही नहीं कहते हम उसमें. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दैट मीन्स वी आर सेइंग कि उसमें है नहीं. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो. सपोज दिस इज इधर ऑर्गेनेल्स दिए हैं, उधर उसके फंक्शंस दिए हैं, राइट? ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको.
लाइक दिस, ठीक है? आपको ये गिवन है, ये आपको गिवन है। अब आपको ऑप्शन होगी, इसी तरह से कोई और एक फोर्थ ऑप्शन होगी। आपको फाइंड आउट करना है इसमें से करेक्ट वाली कौन सी है, क्या है क्लो। ईआर क्या करता है, राइट? क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम, यानी कि हमारे पास हो गया ए क्यू बी एस सी बी एंड डी आर। यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दिस बी ऑप्शन, राइट? आपको इस तरह से है, इसी में आपके ये देखो एक साइड पे ऑर्गेनेल्स आ गए, दूसरी साइड पे फंक्शंस आ गए। इसी तरह से एक ही साइड पे टिश्यूज आ सकते हैं और दूसरी साइड पे उसके फंक्शन या उसकी प्रेजेंस पूछ सकते हैं, ठीक है? डायग्राम्स क्वेश्चंस होंगे, हाँ अगर हम लोग करें डायग्राम का क्वेश्चन देखें, सपोज ये सिंपल डायग्राम आई एम टेकिंग दिस डायग्राम, इसको एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है? इन द जंबल फॉर्म दे विल आस्क यू, ठीक है, यहाँ लिखा होगा कि लाइट बैंड, एक्स इज लाइट बैंड, वाई डार्क न्यूक्लियस, इस तरह से होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है विच वी आर टॉकिंग। आई एम टेकिंग वेरी सिंपल डायग्राम, क्लियर? आई एम टेकिंग वेरी सिंपल। आपको यहां से तीनों को आइडेंटिफाई करना है कि ये तीनों है क्या, एक्स क्या है डार्क बैंड, वाई न्यूक्लियस एंड जेड इज द लाइट बैंड, इस तरह से होंगे। आपको न्यूरॉन का क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बना के पूछ सकते हैं हम, ये पूछ लिया ऐसे, इसमें आपको कोई भी एक्स वाई जेड पूछ लिया, बोलो नो। वन मार्क क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क। यहां पे भी इसी तरह से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। यहां पे वाई क्या है और जेड क्या है, जेड क्या है यहां पे, वट इज जेड, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? नीचे वाली का ऐसे ही वो शेवन सेल के साथ कुछ पूछ ले, मतलब दीज काइंड्स ऑफ द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है? ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क, गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वेश्चन इस तरह से हैं, चाहे वो सेल है चाहे वो टिश्यू है, ठीक है जी? हमने वो बनाए थे किसके, बोन सेल्स बनाया, बोन की वो पूरी बनाई है स्ट्रक्चर, उसमें पेरिटोनिया और यहाँ वो लैकुना वाला बनाया, वी कैन आस्क एनीथिंग। कार्टिलेज बनाए हैं, बोन बनाया है, स्ट्राइटेड मसल्स हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं, ऑल दीज मसल्स, सारे इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आ गए, ठीक है? आपको ए मैच द कॉलम में स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड वाले ही गिवन है, मान लो उस तरफ उसके फंक्शन पूछे गए हैं कि विच इज प्रेजेंट, ठीक है? उधर लोकेशन दे दी हमने, we will give the location in that case, you have to find out the exact मतलब identify करना है voluntary muscle कहाँ कहाँ present है। कोई दो चीजें हो सकती है जहां पे घुमा के question दिया हो, you have to identify and then you are मतलब when you will read it carefully then you are able to do। एक और match the column करना तो कर लो, एक और करवा देते हैं। अभी तो session reason तो कितने दिनों से कर रहे हो? अच्छा
लाओ आपकी बुक दो, मैं सर चंडीगढ़ आपके सामने फ्रेम करके बना टिश्यू में से करा दी। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। दिस इज असर्शन, सुन लो, दिस इज असर्शन। रीजन इज नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू आर मूव आर मसल्स। बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अच्छा वेट, मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। हार्ट में कौन से हैं प्रेजेंट? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसकी करी है आपने? फिर ठीक है, अच्छा मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इज द मतलब मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज द शोइंग द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड मसल्स। राइट, ऑप्शन है इट इज द वॉलेंट्री मसल्स। आई एम सेइंग मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, आप इतना पॉइंट ले लो, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। रीजन इज दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। Assertion is correct. Reason is, why reason is false? Because these are involuntary muscles. समझ आई बात? आपके सामने I am just asking it from your book. ठीक है? Okay. Involuntary muscles are you can say involuntary muscles are having dark and light band. Yeah, involuntary muscles are having striations. Involuntary muscles are having striation. Right? उसके बाद आपको बोल दिया जाता है these are called the striated muscles. Both A and what are we called? Striated muscles कौन से हैं? Voluntary muscles. That means these are having dark and light band. That means both are correct, and that is the correct explanation of the assertion. मैंने क्या बोला है? Involuntary. Sorry, मैं बोले तो चले. Both are wrong. ठीक है, जो भी आप देखो, this is from your book only. Two bones are can be connected to each other by another type of tissue called ligament. ठीक है, अब ligaments are, these tissue of the ligaments are inelastic. Statement ध्यान से सुनो, assertion and reason both carefully. I am saying two bones can be connected to each other, ठीक है, by a tissue called ligament. Reason, these type of tissues are inelastic in nature. A is correct, B is, reason is false. These are elastic. ठीक है, these are elastic. Blood has a one component that is called platelets. ठीक है, blood has a one component that is called plasma. Reason, plasma contain proteins, salts and hormones. Both are true. That is not the correct explanation, but both are true. Blood की एक component में हम plasma consider करते हैं, blood and plasma. Plasma किस किस चीज से बना है? अब यहाँ पे confuse करना है तो I can ask protein, salt and hormone. ये इसकी exact composition है. मैंने यहाँ लिख दिया protein, phosphorus and hormones. ये आपको देखना पड़ेगा. प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन्स प्रेजेंट है, बट सॉल्ट की जगह पे आई हैड रिटन समथिंग रॉन्ग, दैट यू हैव टू फाइंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। जाओ जी,